इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री धीरजमल जी, भगवान दास जी कटारिया एवं स्वर्गीय श्रीमती गजराबाई धीरजमल कटारिया की स्मृति में श्री सुनील कुमार धीरजमल कटारिया, श्रीमती सविता सुनील कुमार कटारिया, पुणे महाराष्ट्र। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, जय जय। बोले देवाधिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की बोलिए जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर सावधान प्रवर्तक, बोले परम पूज्य मनीषी 160 प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मनीषी हरेश सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज शमी शिखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायत तीन शरी में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से आइए हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो कार्यक्रम देखने सुनने के लिए तैयार हैं उन सभी की ओर से, और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। सभी हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, अपने हाथ दोनों उठा लें ऊपर, हे गुरुवर नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद, क्या मेरा क्या पाना है, कैसे हो मेरा उद्धार, गुणायतन में आओ बंधु यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधु आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, गुणायतन अनुभव केंद्र का अवलोकन करने के बाद जिनके भाव बने इस गुणायतन से जुड़ने के लिए उन शुद्धि श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा और परम पूज मुनिवर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम निर्माण निधि के रूप में जिन्हें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया अपने स्थान में ही खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती सरोजन धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार जी, गौरव कुमार जी जबलपुर, श्री अभिषेक पारस भाई अहमदाबाद, शाह नरेश कुमार कुमारी रजनी शाह वाशवाड़ा, ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वहीं से खड़ो के परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में सुनील कुमार जी, कुमारी रिद्धि जैन जयपुर, श्रीमती निशी, श्रीमती नेहा जैन भाटिया जयपुर, श्री विजय धुलप्पा वल्लवी, श्रीमती वंदना विजय सांगली, श्री सुनील सत्तप्पा वल्लवी, श्रीमती अश्वनी सुनील वल्लवी सांगली, श्री अनिल गुप्ता सुपुत्र राम सिंह गुप्ता देवनार मुंबई, श्रीमती मौसमी जैन धर्मपति, श्री सुधीर कुमार जैन अहमदाबाद, जोरदार इन सभी के लिए ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन में रजत दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है अगर उपस्थित हैं तो वहीं से खड़े होकर नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कमलाबेन हीरालाल जी जैन अहमदाबाद, मुंशीबेन वाड़ीलाल जी जैन परोला जलगांव। और आइए चलते हैं जिन्होंने स्वर्ण दान देकर इस गुणायतन में वेदिका आदि में स्वर्ण लगाने के लिए सहयोग प्रदान किया है अगर हैं तो उपस्थित होकर नमन करेंगे। वसंती अशोक जी काले, कृति श्राविका एलोरा औरंगाबाद, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा, मंच पे भी आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार की ओर से हमारे सम्माननीय ट्रस्टी पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने स्वर्ण दान लगभग 36 ग्राम सोना प्रदान किया है, सपना लक्ष्मीश भावु मैसूर कर्नाटका, अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा
हमारे प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी गुणायतन वे आएंगे, हमारे सम्मानी सपना लक्ष्मीश भावु उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए सिद्धार्थ जी, और उनके साथ आएंगे हमारे कपूरचंद जी या फिर शैलेन जी उपस्थित तो भी आ जावे सम्मान का कार्यक्रम। और मैं चाहूंगा जिनके माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम होगा वे पहले से यहां पर आ जाएंगे, नाम लेते ही तो अच्छा रहेगा। हरी जी आ जावे सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए इसी क्रम में मैं अगले स्वर्णदाता को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने, शैलेन जी आ जाइए साहब, डॉक्टर रश्मि राजन प्रसाद शशांक भानु अग्रवाल भरतपुर, इन्होंने लगभग 30 ग्राम सोना दिया है, जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे कपूरचंद जी को, वे आए हमारे सम्मानी सिद्धार्थ जी कपूर जी दोनों जावे, जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रदीप जी मनीषा प्रिंस रीतिका द्रव आयुषी शुभम निहित जैन देहरादून, इन्होंने भी स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को सुरक्षित किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अखिलेश जी गदियाना ललितपुर, अगर उपस्थित हैं तो वे आए हमारे सम्मानी स्वर्ण प्रदाता परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। प्रदीप जी मनीषा जी देहरादून परिवार, उनके सम्मान के लिए अखिलेश जी गदियाना ललितपुर वे आएंगे। और उनके साथ आएंगे श्रीमान सुरेंद्र जी जैन अलवर आयशा। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम में जिन्होंने इस गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती पद्मावती नाना फराटे कुमारी कंचन रमेश पाटिल कश्वे डिग्रज शांगली, ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुरेंद्र जी अलवर, वे आएंगे सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में श्रीमती कुसुम जैन धर्मपत्नी श्री पवन नेतु धर्मपत्नी प्रवीण प्रियम एवं स्नेहा जैन नोएडा, वे आएंगे जिन्होंने निर्माण मित्र से इस गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान देवेंद्र जी शैलेन जी, वे आएंगे और हमारे सम्मानी निर्माण मित्र का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। देवेंद्र जी अजमेरा गया, वे आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है मैं आमंत्रित करूंगा कंचन रमेश पाटिल रमेश अड़गोड़ा पाटिल शांगली, आइए। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जयंती परिवार के श्रीमान ताराचंद जी, वो आएंगे हमारे सम्मानी निर्वाण शार्थी कंचन जी शांगली, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर सभी का सम्मान करें। और आइए सूत्रधार के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है अमित कुमार जैन LIC परिवार मेरठ, वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान अमित कुमार जैन LIC श्रीमती अनामिका पुत्री प्रज्ञा एवं तनिष्का जैन मेरठ। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मेरठ वाले कंचन जी, आइए साहब शांगली परिवार है ये, हाँ जी। सूत्रधार के रूप में जिनने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया उपस्थित हैं तो वे आएंगे अमित कुमार जी LIC श्रीमती अनामिका पुत्री प्रज्ञा तनिषा मेघा मेरठ, ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के शिष्य चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान अनिल जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर, ये आएंगे सम्मानी हमारे सूत्रधार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में जिन्होंने गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है मैं जैसे ही नाम घोषित करूंगा मैं चाहूंगा यहां पर उपस्थित होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और हमारे गुणायतन परिवार के जो पदाधिकारी हैं ट्रस्टी हैं श्रोमणी संरक्षक हैं सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्री तरसचंद जी जैन श्रीमती पुष्पा देवी राजीव कुमार ऋतु जैन संजीव जैन रेखा जैन शाश्वत जैन सार्थक जैन ललितपुर, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा
हमारे संतोष जी ठेकेदार गुणायतन ट्रस्टी नागपुर और उनके साथ आएंगे पुष्पेन जी वांदा भोपाल शिरोमणि संरक्षक। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आज प्रातः काल की वेला में इनके भाव हुए और इन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं। कौन? नहीं, मेरे पास नहीं आया। और आइए चलते हैं हम और आप उस परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं जो परिवार विगत कई वर्षों से इस गुणायतन से जुड़ा हुआ है। और मैं ये कहना चाहूंगा इन्होंने मुख्य मंडल लिया है, पूरा परिवार यहां पर उपस्थित है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा। हाँ जी। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा बहन सुनीता दीदी परिवार से श्रीमान प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रिंसी जैन सपरिवार, वाशा ताराखेड़ा, वास ताराखेड़ा वाशा, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्री संतोष जी ठेकेदार और श्रीमान शिरोमणि संरक्षक जेके जैन साहब नोएडा। ये आएंगे हमारे सम्मानी दीदी के परिवार का सम्मान करेंगे। और दीदी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा चंद्रकला जी पाटनी मंत्री गुणायतन रांची आ जाएं। और मैं ये कहना चाहूंगा ये दीदी के जीवन में बहुत उदारता है। इन्होंने एक दिन की द्रव्य सामग्री के साथ साथ ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और एक बड़े विमान के लिए भी इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर। बंदो मैं कहना चाहूंगा ये वाले 24 बंदा है। ये आप जो देख रहे हैं यहां पर 6 विमान यहां पर हैं और 6 विमान यहां पर हैं। ऐसे 24 विमान बनना है। हमारे पास 14 हैं और 10 विमान की और आवश्यकता है, जिसमें से एक नाम तो हमारी दीदी का आ चुका है, जिनके भाव बनते हैं कि अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से ये विमान देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर में संपर्क करके आप अपने विमान को आरक्षित करा सकते हैं। और आइए चलते हैं हम आमंत्रित करेंगे क्रमशः श्रीमान सेठ उत्तम चंद जी प्रभा देवी और उनके बेटे बहू को, जिन्होंने इस प्रयत्न से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। सेठ उत्तम चंद जी प्रभा देवी अनुज और अनुराग ये आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए चलिए एक साथ बुलाता हूं मैं। इसी क्रम में हमारे सेठ विनोद जी, रंजना जी ये भी श्रोमण संरक्षक हैं और श्रीमान सुरेश चंद जी, सुलोचना देवी गुणायतन ट्रस्टी मिठन भैया, प्रेमलता जी, सेठ प्रवीण शकुन जी, सेठ प्रमोद, सविता दीदी, सेठ सतीश, सुनीता नागपुर और लक्ष्मी बुआ। और साथ में हमारे इस परिवार के सबसे बड़े भाई राजेंद्र जी के सुपुत्र आलोक मधु ये सभी आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए। भैया माइक चालू करना। ओम। देखिए ये एक हमारे समाज का अति विशिष्ट परिवार है। ये 8 भाइयों और 1 बहन का बड़ा परिवार और बड़ा उदार और समर्थ परिवार है। हमारे धर्म की प्रभावना, क्षेत्रों की उन्नति, तीर्थों के विकास के लिए इस परिवार का बहुत अच्छा योगदान है। और आज ये बहुत अच्छा संयोग है कि पूरा परिवार, अभी एक भाई रह गए हैं, पूरा परिवार, 2 भाई रह गए हैं, वो रास्ते में हैं, इस विधान के लिए आया है। और उसमें से 2 भाई शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं। विनोद जी पहले जुड़े थे, उत्तम चंद जी, ये दोनों परिवार यहाँ के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं।
पर मुझे तो दिख रहा है कि 8 के 8 शिरोमणि होंगे, इसमें कोई कसर नहीं होगी, क्योंकि इनका जब सब जगह योगदान है तो सम्मेद शिखर में भी तो उत्कृष्ट योगदान ही होना चाहिए। मिठन लाल जी हमें बताए कि मैं संरक्षक बन करके गया था, मुझे पता नहीं कब बन करके गए, वो 19 में, इसीलिए हम नहीं थे इसलिए संरक्षक रह गए, नहीं तो वही शिरोमणि हो जाते। अब आज उसे संशोधित कर ले, बहुत अच्छी बात। 2019 में यहाँ आए थे तब बन के, चलिए आज बहुत अच्छा सुयोग है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का आप हृदय से स्वागत करें, एकजुटता और तत्परता के साथ धर्म और समाज की प्रभावना में जो योगदान दिया जा सकता है उसकी मिसाल है ये परिवार। बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं चाहूँगा कि सम्मान के इस क्रम में परिवार के जितने भाईगण हैं वरिष्ठ उनका सम्मान हो जाए, और छोटों का आप सब करतल ध्वनि से सम्मान कर दें ताकि टाइम बच जाए और काम हो जाए। एक पंक्ति में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष गुणायतन, एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, दो दो को बुलाओ, एक एक आते जाएंगे, एक एक भाई का सम्मान करने के लिए दो दो लोग आते जाएंगे। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला पाटनी, श्रीमती शीतल लाधानी और शकुन दीदी, ये क्रमशः आएंगी हमारे इस परिवार की जो सेविका हैं उनका तिलक बंधन के माध्यम से। और सबसे पहले हमारे शेठ उत्तम चंद जी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है जोरदार, और श्रीमती प्रभा देवी उनका सम्मान संपन्न करेंगे। बहन जी शकुन दीदी, प्रभा जी का करें, प्रभा जी का, अच्छा सुरेश भैया। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस परिवार के बड़े भ्राता श्रीमान सुरेश जी, और चाची का नाम क्या है भूल गया मैं, सुलोचना, हाँ जी सुरेश जी सुलोचना, जो कि भोपाल में रहते हैं, राजेश भैया के माता पिता हैं, इनका सम्मान का कार्यक्रम, हाँ जी आइए। सुरेश जी और सुलोचना जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, और राजकुमार जी अजमेरा अध्यक्ष सेवायतन, ये दोनों आएंगे हमारे सुरेश जी और सुलोचना जी चाची, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे जो भोपाल में निवास करते हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में, जी 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 हाँ जी, और आइए इसी क्रम में कहाँ रहते हैं चंद्रपुर में रहते हैं श्रीमान मिठन लाल जी प्रेमलता और इनके ओम, देखिए एक मिनट थोड़ा सा सुरेश जी थोड़ा साइड हो जाए, आप इधर आ जाए मेरे पास। देखिए ये बहुत अच्छी उदारता मिठन लाल जी ने अपनी ओर से प्रकट की है, और उन्होंने जो अभी तक संरक्षक बने थे आज शिरोमणि संरक्षक बनने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। चलिए ये गुणायतन ट्रस्टी थे, आज इनका प्रमोशन हुआ शिरोमणि संरक्षक रूप में, शेठ मिठन लाल जी और प्रेम लता, इनका सम्मान का कार्यक्रम हमारे सम्मानी प्रेमचंद जी प्रेमी और सुनील जी अजमेरा अध्यक्ष सेवायतन के द्वारा संपन्न हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। सम्मान कर लिया उनको खिसका पहले, जिन्हें सम्मान कर लिया हो जाए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा जिनके माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न होता जाए वे अपने स्थान में पहुंचते जाएंगे। और आइए अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जो बिलासपुर में निवास करते हैं शेठ प्रवीण शकुन, शेठ प्रवीण शकुन, देखे ये भी एक बहुत अच्छी बात, प्रवीण जी ने भी अपनी ओर से शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अपनी उदारता का परिचय दिया। एक बार सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अतुल शीतल लाधानी और प्रमोद जी सुमन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी शिरोमणि संरक्षक सुनील जी अजमेरा, और
आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अतुल शीतल लाधानी और प्रमोद जी सुमन भारेल जी मुंबई, ये दोनों शिरोमणि संरक्षक अपने शिरोमणि संरक्षक का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भैया तो है नहीं है, भाभी है, हमारी सविता है, हाँ जी। और आइए, हाँ, अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा। और आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे जिनके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रहती है, ऐसे गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक सेठ श्री विनोद रंजना जैन विलासपुर। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी और इंजीनियर विदिशा निवासी श्रीमान चंद्रशेखर जी, ये दोनों आएंगे हमारे सम्माननीय विनोद जी। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा दुर्गापुर निवासी श्रीमती अमिता जी। देखिए ये विनोद जी रंजना जी की जोड़ी बड़ी अलग जोड़ी है, इन्हें गुरुदेव के सानिध्य में माता पिता बनने का भी सौभाग्य मिला है। और ये वर्षों से सौधर्मिंद भी बने, माता पिता आप बनी थी, ठीक है, तो आप बन जाएंगी, अच्छी बात है। ये इनका भी माता पिता सुरेश जी भी बने हुए हैं, बहुत अच्छा धार्मिक परिवार। और आज ये एक बहुत अच्छा संयोग है कि एक साथ सभी भाई यहाँ आकर के इस विधान में सहभागिता दे रहे हैं। और मैंने देखा, बहुत लोग कर लीजिए आप लोग सम्मान का काम कर रहे हैं, आ जाइए सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन और भाई साहब चंद्रशेखर जी इंजीनियर विदिशा, ये आएंगे हमारे सम्मानी विनोद जी। श्रीमान सुनील जी अजमेरा, उनको आमंत्रित करूंगा गुणायतन संयुक्त महामंत्री हजारीबाग, अगर उपस्थित हैं तो वह आएंगे हमारे विनोद जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर आप सम्मान करें इस परिवार का। ओ हाँ, अब अगला नाम बोलो। और आइए, मैं कह रहा था अगला नाम बोल दीजिए जाता। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा इस परिवार की एक बहन है, पहले आलोक को बोला। अच्छा, और आइए हमारे इस परिवार के बड़े भैया, अच्छा चलिए। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा प्रमोद जी की श्रीमती सविता जी बिलासपुर दिल्ली वसंत विहार आए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शीतल लाधानी और चंद्रकला जी पाटनी, आइए। ये माइक चालू करना महाराज साहब का। ओ मैं कह रहा था प्रमोद जी इस परिवार के बिल्कुल रीढ़ रहे हैं और पूरे परिवार को आगे लगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान। और आज जो अमरकंटक क्षेत्र का निर्माण हुआ है उसमें इस परिवार का और परिवार के साथ साथ प्रमोद भाई का बहुत बड़ा योगदान। मैं चाहूंगा इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आज प्रमोद यहाँ उपस्थित नहीं है, मुझे लगता है एक दो दिन बाद वो भी आएंगे। ये कह रही है कि प्रमोद नहीं है तो सविता को लगवा दो, पर मुझे लगता है प्रमोद आएंगे और वो जरूर बनेंगे। जब प्रमोद आएंगे तभी करेंगे, अभी नहीं। और आइए चलिए इस परिवार का एक भाई और निवास नागपुर में निवास करते हैं, अभी उपस्थित नहीं महाराज जी, उनको यहीं से आशीर्वाद देंगे। उनके लिए भी एक बार करतल ध्वनि कर, नाम बोलो। शेठ सतीश सुनीता शेठ परिवार। और आइए चलते हैं, मैं इस परिवार के सबसे बड़े भ्राता श्रीमान राजेंद्र कुमार जी शेठ, उनके पुत्र वधु यहाँ पर उपस्थित हैं, आलोक जी मधो जी शेठ परिवार इंदौर, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं पुनः एक बार जेके जैन साहब और अतुल शीतल लाधानी, आज हमें जल्दी देखे आकाश भी आलोक इंदौर में निवास करते हैं, परम पूज गुरुदेव के सानिध्य में इन्हें काफ़ी कुछ करने का अवसर मिला है। और अभी कुबेर भी बने हैं और इनका भी मन है कि मुझे शिरोमणि बनना है, पर अभी इनका समय प्रकट नहीं हुआ है, जल्दी वो भी समय प्रकट होगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन। शीतल मधु का करें, अतुल भाई आलोक का करें। और आइए इसी क्रम में इस परिवार की एक बहन है, इकलौती बहन है 8 भाइयों के बीच में। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा
हमारे नागपुर निवासी इन सभी भाइयों की बहन लक्ष्मी बुआ को व्याएंगे परम पूज्य मुनिवर के शिष्य नमन करते हुए गुरु वंदना का शोभा प्राप्त करेंगे। चलो और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ श्रीमती सुमन जी भारिल, वो आ जावे। और गन्नौर से हमारे अनिल जी की धर्मपत्नी, ये दोनों आ जाएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। कहाँ है ये? लक्ष्मी जी भी बोल रही है, महाराज हम भी पीछे नहीं रहेंगे, 6 तारीख को बच्चों को आ जाने दो, फिर वो भी करेंगे एक बार जोरदार करतल ध्वनि। और इनके सम्मान के लिए सुमन जी और गन्नौर से अनिल जी की श्रीमती को आमंत्रित करता हूँ, वे आए। ममता, श्रीमती ममता गन्नौर, श्रीमय संरक्षक गुणायतन, दोनों मिलकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इस परिवार के बहुत से बेटे बहू हैं, लेकिन महाराज इनका सम्मान कराएंगे तो संकट समाधान का कार्यक्रम पूरे ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा इनके बेटे बहू और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ताली बजाकर आप सम्मान करें। ओ बड़े, देखिए मैं चाहूंगा। और आइए हमारे इस परिवार के सबसे बड़े भैया राजन जी, राजन जी उनकी बिटिया सीमा और रश्मि यहाँ पर उपस्थित हैं। अभिलाषा भी आ जावे, तीनों का सम्मान ममता जी कर रही, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। अच्छा विनय भैया, और आइए हमारे शेठ उत्तम चंद जी के समधी बनने का जिन्हें अवसर प्राप्त हुआ। विनय भैया, विनय भैया जाओ आ जाओ, सही ना। और आइए हमारे शेठ उत्तम चंद जी के शमदी साहब, हमारे विनय भैया और किरण जी, इनका सम्मान हरी जी करेंगे। आइए उत्तम भैया के शमदी साहब जी, माइक चालू कर देना। अच्छा बोल दूंगा, अभी सबको निकल जाने, सबको हाँ, एक बार सब भाई इकट्ठे आ जाए, एक बार आ जाए। कौन कौन? हाँ हाँ मैं बुला, नहीं अनुज और अनुराग को भी जरूर बुलाइए। अनुराग जी, अनुज विभा, हाँ 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 ओके, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल जरूर ही, अनुराग जी अनुज विभा बिल्कुल बुलाइए, आइए दोनों का सम्मान करने के लिए। और मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए जो हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, आमंत्रित करूंगा अनिल जी गन्नौर, अनिल जी गन्नौर, और इसी क्रम में प्रेमचंद जी प्रेमी ये भी आ जावे, हमारे देवेंद्र जी अजमेरा, इस परिवार के उत्तम चंद जी के जो दो बेटे हैं अनुराग जी अनुज जी, जूही और विभा जो बहु हैं, इनका सम्मान करने के लिए आ जावे। और इसके अलावा बहुत से परिवार हैं, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, सोनू, योग्य, किया, प्रांजय, अरिहन, अशिरका एवं केवला वाला परिवार, बिलासपुर, कटनी, नागपुर, चंद्रपुर, भोपाल। हाँ जी, अरे इंदौर तो भूल ही गया, जिनके बीच में रहना मुझे। और आइए चलते हैं। ओ ये बहुत अच्छा संयोग है, एक साथ एक परिवार के 5 भाई ट्रस्टी बने, ऐसा योग तो बना, लेकिन यह पहला संयोग है जब किसी एक परिवार के भाई यहाँ सामूहिक रूप से शिरोमणि संरक्षक बनने जा रहे हैं। निश्चित ये एक बहुत ही अनुकरणीय आदर्श है, अपने धन का सदव्यय करने का इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं मिलता, तो बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा, हाँ एक बार थोड़ा सा बढ़ जाइए और एक आ जाइए एक बार, और इकट्ठे करके शंका समाधान की शुरुआत कर लीजिए। हाँ यही यही कर लो, यही कर लो। और इन सब की ओर से विनोद जी अपनी बात करें और वहीं से पहला सवाल हो, देव जल्दी से, यही 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 कर लो, माइक दे दो। और आइए, हाँ शंका समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विनोद, पहले प्रश्न के लिए बुला रहा हूं मैं सेठ विनोद रंजिया जैन को,
शंका समाधान का कार्यक्रम इनके माध्यम से प्रारंभ होगा। और अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के इंजीनियर श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा। हाँ बोलो बोलो, यहीं से बोलो ना आप। हाँ बोलिए। महाराज जी की श्री चरणों में बारंबार कोयला परिवार की ओर से शत शत नमन, शत शत बंदन। महाराज श्री, महाराज श्री, मेरे मन में गृहस्थ आश्रम में रह के मैं 7 प्रतिमाओं का पालन करती हूँ। 7 प्रतिमा है? आह वाह, नहीं ठीक है, ठीक ठीक। महाराज श्री, कभी कभी प्रतिक्रमण सामयिक और बहुत सी क्रियाओं में समय ऊंचा नीचा हो जाता है, मन में हमेशा व्यथा रहती है। ऐसे में अपने जीवन में कर्म सिद्धांत को कैसे उतारूं, ये मुझे समझ। देखिए, बहुत ही अच्छा, एक संपन्न परिवार का प्रतिनिधित्व करने के साथ इतनी अल्प उम्र में 7 प्रतिमा के व्रतों का पालन। मुझे प्रतिमा का तो ध्यान था पर ये 7 तक पहुँच गए इसका पता नहीं था। इस घर में कई बहुएं व्रती हैं और ये बहुत अनुकरणीय, 4 है, ये बहुत अनुकरणीय है, बहुत 4 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा है कि मेरे जो आवश्यक किन्हीं कारणों से कभी कभी नहीं हो पाते तो क्या करें, तो उसके लिए अपनी निंदा गढ़ा करना चाहिए। हाँ, टाइम आगे पीछे हो जाए तो क्या करें, तो उसके लिए निंदा गढ़ा करनी चाहिए और अपनी क्षमता को बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए। आपने पूछा ऐसी घड़ी में कर्म सिद्धांत को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं, तो कर्म सिद्धांत का हमेशा एक बात स्मरण में रखें कि समता सबसे बड़ा धर्म है। कैसा भी कर्मोदय आए, मुझे समता को कभी खंडित नहीं होने देना है। और हर व्रती को एक बात स्मरण में रखना चाहिए कि मैं व्रती बना किस लिए, मेरा मूल प्रयोजन राग द्वेष की निर्वृत्ति है और हर स्थिति में मैं राग द्वेष की निर्वृत्ति करता रहा। बहुत बहुत आशीष। और आइए अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी के सुपुत्र आलोक मधु इंदौर। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अन्य क्षेत्र मंदिर आदि में सिद्ध चक्र की आराधना में और यहाँ सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध आराधना में क्या अंतर है? ये तो आप लोग ही बताओ। और दोनों के फल में क्या अंतर है? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने सिद्ध चक्र तो पहले भी किए, हिंदी वाले किए, अपने अपने गांवों में किए और 3 दिन से यहाँ कर रहे हो, अंतर महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो, अपने माइक से बोलो, बोलो क्या अंतर है, बोलो बोलो। यहाँ पर तो बहुत ही एकदम भाव जो है बिल्कुल एकदम लग जाते हैं। बस बहुत सुंदर, यहाँ का सेंसर सीधे रॉकेट की तरह बढ़ता है और वहाँ का ऐसे ऐसे चलता है, इतना ही अंतर है। देखो, यहाँ जो हमारी भाव विशुद्धि होती है वह असाधारण होती है और हमें ऐसी भाव विशुद्धि को बढ़ाना चाहिए। द्रव क्षेत्र काल भाव का अंतर तो पड़ता ही है। और ये जो सिद्ध चक्र विधान है, ये मूल विधान संस्कृत में ही है। इसमें हर मंत्र की आराधना होती है, बाकी जगह लोग विधान करते हैं, उन विधानों में प्रायः ढोलक की थाप ज़्यादा सुनाई पड़ती है, संगीत का पुट इतना होता है कि पूजा के भाव नहीं जुड़ पाते। लेकिन यहाँ आप महसूस कर रहे हैं, मंत्र जपते जपते कीर्तन होता है और उससे जीवन में आनंद आता है, बच्चा बच्चा भी उसमें आनंद लेता है। और एक एक मंत्र का 9-9 बार उच्चार करने से ये 9 गुना लाभ होता है। और फिर किसी विद्वान या ब्रह्मचारी के मुख से किसी मंत्र का उच्चारण हो और किसी निर्ग्रंथ मुनि के मुख से हो, तो अंतर तो होगा ही होगा ना, और सिद्ध क्षेत्र में होगा निश्चित। आप सब इसके अर्थ में भाग्यशाली। और जल्दी हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप हम सभी के लिए खास और यूनिक हैं। हाँ, आपको आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना यूनिक और खास बनाती है? इस बच्चे ने कहा आप हम सबके खास और यूनिक हो, आपके अंदर ऐसा कौन सा चीज है जिसने आपको खास और यूनिक बना रखा है? मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर क्या है, ये मैं नहीं जानता, आप लोग ही देखो। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपको मेरे अंदर क्या खास और यूनिक दिखता है बताओ। दो इसको माइक दो,
क्या दिखता है बोलो 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 बोलो। आप बहुत आशीर्वाद देते हैं और प्यार से रहते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया। देखिए मैं आप सबको बोलता हूँ, हर व्यक्ति अपने आप में खास और यूनिक है, लेकिन यदि अपनी खास पहचान बनाए रखना चाहते हैं, अपने आप को यूनिक बनाए रखना चाहते हैं, उस रूप में देखना चाहते हैं, तो मैं इतना ही बोलता हूँ, तुम्हारे पास कितना भी बड़ा हो या छोटा, जो आकर के मिले उसे लगे कि है हमारे अपने हैं। बस ये अपनत्व जिसके समक्ष घटित होने लगे, समझ लेना वो तुम्हें खास बनाएगा, वो तुम्हें यूनिक बनाएगा। हो गया, तुम्हारा भी है, चलो जल्दी कर। मेरा प्रश्न ये है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? भूल क्या है? अपने आप को नहीं समझ पाना, अपने आप को नहीं पहचान पाना, यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हर मनुष्य को ये जानना चाहिए मैं कौन हूँ, उन्हें समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। अभी बचपन से ये बात समझ के चलो, जब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान होगा तो जीवन की दिशा बदल जाएगी, सोच बदलेगी, प्रवृत्ति बदलेगी। मनुष्य अपने आप को और कुछ मानते रहता है, लेकिन जो है उसे पहचानने की कोशिश कभी नहीं करता, उसे अपनी पहचान कभी नहीं खोनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, और आइए अगले प्रश्न के लिए इंजीनियर चंद्रशेखर जी गुणायतन विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर प्रथम जी दिल्ली आज मंडल। हाँ, आशीर्वाद श्रीमान चंद्रशेखर जी, उसके बाद तैयार रहेंगे वास्तविक दिल्ली। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक अच्छे दिमाग के लिए याददाश्त रखना बहुत जरूरी है, वही एक अच्छे दिल के लिए सब चीज़ों को भूल जाना बहुत अच्छी बात मानी जाती है, तो हम दोनों में से किसे अपना है? बहुत अच्छी बात है, अच्छे दिमाग के लिए याददाश्त रखना जरूरी है और अच्छे दिल के लिए भूल जाना जरूरी है। आपने पूछा इन दोनों में हम क्या करें, एक अच्छे आदमी के लिए उसका दिमाग भी दुरुस्त होना चाहिए और दिल भी साफ होना चाहिए। तो सब बातें जो याद करने योग्य होने, याद करने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए, और जो चीज़ें भुला देने योग्य है उन्हें भुला देने की तैयारी अपने अंदर होनी चाहिए। याद करना बुद्धि की बात है, हम अपने बुद्धि के बल पर चीज़ों को आसानी से याद कर पाते हैं, और जो भूलने की बात है वो हमारे हृदय से होती है। यदि हम अपने अंदर क्षमा का भाव जगा लें तो हम चीज़ों को भूल सकते हैं। तो जो हमारे लिए अच्छी प्रेरणा दे उन्हें हम याद करें, और जो हमें उलझा दे उन्हें हम भूल दें, भूल जाएं। तो उसके लिए साफ दिल चाहिए, साफ दिल होने के लिए मनुष्य को अहंकार से मुक्त होना चाहिए। जो अपने अभिमान से मुक्त होता है उसका दिल साफ होता है, और ऐसा साफ दिल मनुष्य अपने जीवन का पथ सहज रूप से प्रशस्त कर लेता है। तो हम साफ दिल होकर जीवन जिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। नमस्ते डॉक्टर पदम जी वास्तुविद दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 13 से गुणायतन ट्रस्टी अनिल त्रिशला जी बरेली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा जो गुणायतन बन रहा है उसमें धर्म और विज्ञान का बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है महाराज श्री 16 स्वर्गों का, फिर उसके बाद सिद्धशिला का, उसमें हमें कई जगह उल्लेख मिलता है कि वहाँ का एक वर्ष यहाँ के लगभग 1000 से ज़्यादा वर्षों के समान है। अब तक जब भी हम किसी से कहते थे जैन अजैन से, वो कहता था वैसे ही, पता नहीं किसने देखा है, इतना फ़र्क होता है क्या? अभी 20-25 दिन पहले नासा ने एक प्रेस रिलीज जारी की रिसर्च की अपनी, उन्होंने कहा है कि जो ब्लैक होल के आसपास जितना नज़दीक कोई भी प्लैनेट है, उन्होंने एक प्लैनेट की खोज की है वहाँ पर, उसमें वहाँ का एक वर्ष पृथ्वी के 5400 वर्ष के बराबर है लगभग। तो उन्होंने कहा है जो ब्लैक होल के जितना नज़दीक है उतना ज़्यादा उसकी यहाँ पे और वहाँ दिन में फ़र्क आता है। तो एक तो महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम ये सोच सकते हैं कि वो हो सकता है स्वर्ग हो, क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वहाँ पर जाना मनुष्य के लिए असंभव है आने वाले हजारों वर्षों तक किसी भी वैज्ञानिक तरीके से। दूसरा महाराज श्री, जो ब्लैक होल के उस पार ये कहा जाता है, उन्होंने जो प्रेस रिलीज में कहा है, वो एक ऐसी जगह है जिसको आज तक ना कोई खोज सका ना कोई जा सका, तो क्या जो सिद्धशिला हम सोचते हैं वो ब्लैक होल के उस पार ही है क्या? देखिए, जब तक मैं नासा की रिपोर्ट को अपनी नज़र से न देख लूं,
मुझे नहीं लगता कि इस विषय में कुछ कहना चाहिए। क्या पेश रिलीज आई, आपने उसमें क्या पढ़ा और क्या समझा, ये बात तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक हम उसे ठीक तरीके से न समझ लें। तो हमारी पहली कोशिश हो कि हम उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ें। नासा की अगर कोई रिपोर्ट है प्रेस रिलीज में तो उसका सार होगा। जो रिपोर्ट है, जो रिसर्च है, उसे हमें ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए और जब हम उसे पढ़ेंगे तभी कुछ बता पाएंगे। जहाँ तक संभावनाओं का सवाल है, स्वर्ग तो बहुत ऊपर है, 1.5 राज्य ऊपर है, 1,00,000 योजन ऊपर है स्वर्ग की शुरुआत। वहाँ तक पहुँच पाना वर्तमान संसाधनों की अपेक्षा संभव नहीं है। हो सकता है जो ब्लैक होल के माध्यम से आपने कहा तो नीचे की तरफ है, पाताल लोक में भवनवासी और वेंतरों के विमान है, कहीं वो हो सकता है, लेकिन ये भी एक कल्पना है। अभी इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा जब तक इसको हम ठीक तरीके से न समझ। महाराज जी, जो ब्लैक होल की है वो हमारी आकाशगंगा के ऊपर है, बहुत ऊपर है। ठीक है ना, मैंने कहा ना, पहले इसको मैं पढ़ूं, समझूं, तब अपनी कोई राय प्रकट करूं, वही अच्छा। नमस्ते महाराज। मंडल नंबर 13 विनायतन ट्रस्टी अनिल त्रिसला जी जैन बरेली, उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 15 विनायतन ट्रस्टी संतोष कुमार जी ठेकेदार नागपुर। महाराषि, आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ उपस्थित सभी लोगों की तरफ से भी आपको बारंबार नमोस्तु। महाराषि, मैं प्रश्न तो पूछना चाहती थी लेकिन आज ये बच्चे पूना से आए हुए हैं कि बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे, मैं बच्चे को दे रही हूँ। नमोस्तु महाराषि, मेरा नाम विदित जैन है और मेरा प्रश्न है कि दिवाली के दौरान हमारे परिवार में एक बुजुर्ग का मृत्यु हो गया था जिन्हें मैं कभी नहीं जानता था, इसलिए हम लड्डू नहीं चढ़ा पाए, इसका क्या कारण है? इसी वर्ष हुआ है उनकी मृत्यु? इसी वर्ष हुई कि पहले से भी? इसी वर्ष हुई। देखो ऐसा है, हमारे कुल में, हमारे कुटुंब में जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है, उनकी अगर कोई मृत्यु आदि होती है या उनके यहाँ कोई जन्म होता है तो हमारे यहाँ उसका सूतक और पातक होता है, समझ गए? पहले हम लोग एक कुटुंब में रहा करते थे, बड़ी फैमिली होती थी, 100-100 लोगों का एक एक कुटुंब होता था। तो अब कहीं किसी की मृत्यु हुई है, सबका आना जाना संपर्क होता था, अटैचमेंट भी बहुत रहता था तो मन भी दुखी रहता था। तो एक व्यवस्था बनाई गई कि 3 दिन तक तो तीसरे दिन मंदिर जाए, उससे पहले मंदिर भी न जाए ताकि मंदिर में किसी तरह की अपवित्रता भी ना हो, नकारात्मकता ना। और दूसरी तरफ फिर ये कि 10-12 दिन तक का सूतक रखें ताकि मंदिर में किसी तरह की नकारात्मकता ना जाए। अब जो तुमने कहा है कि ऐसे बुजुर्ग की मृत्यु हुई जिनको हम जानते भी नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आज परिवार सिमट गए, पर कम से कम उनकी मृत्यु के बाद तुम्हें इस बात का तो पता लगा कि वे हमारे कुटुंबी थे, वे हमारे पुरखे थे, वो थे, उनसे हमारा ब्लड रिलेशन था। ये सूतक पातक को भूल जाओगे ना तो आप अपनों को पहचानना भी भूल जाओगे, समझ गए? पहले बड़े परिवार होते थे तो लोग अपने रिश्ते नाते अच्छे से जानते थे, अब तो तुम्हें बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने रिश्तेदारों का परिचय होता है, और दादा से ऊपर का तो लोग नाम भी नहीं जानते। तो ये सब जानना चाहिए, अपने परिवार का, अपने कुल का हमें पता रहना चाहिए। इसलिए चूंकि सूतक हो गया, सूतक पातक में धार्मिक क्रिया करने का शास्त्रों में निषेध है, क्योंकि उससे भगवान की असाधना होती है, असाधना मतलब अवमानना होती है, और हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार की अवमानना हो और हमें पाप का भागीदार बनना पड़े। महर्षि, ये बच्ची भी एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती है। बोलो बोलो। मैं नमोस्तु भगवान जी, मेरा नाम है वर्षिका, मैं 7 साल की हूँ, मैं कैसे धर्म कर सकती हूँ? क्या धारण कर सकती हूँ? धर्म, बिल्कुल ठीक है। अभी जितना तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ, तुम्हारी नानी, नानी है ना, हाँ नानी है, दादी नहीं,
नानी जो सिखाए ना वो करो, और जब 8 साल की हो जाओगी तो अष्टमूल गुण धारण कर लेना और उसे जीवन भर निभाना। चलिए, मंडल नंबर 15 से विनायतन ट्रस्टी श्रीमान संतोष कुमार जी ठेकेदार नागपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे। मंडल नंबर 17 से श्रोमणी संरक्षक श्री वीर कुमार भरत मेहता गुलबर्गा। महाराज श्री जी के चरणों में संतोष ठेकेदार परिवार नागपुर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि 10 लक्षण पूजा में आया है कि पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक, कोप ना कीजिए प्रीतमा। तो महाराज श्री, ये पंक्ति हैं क्या हम सामान्य मनुष्यों के लिए लिखी गई या उत्कृष्ट लोगों साहबकों के लिए? ऐसे वर्तमान परिवेश में क्या आया है, संभव है शंका समाधान? आपने पूछा सामान्य लोगों के लिए लिखी गई है या उत्कृष्ट साहबकों के लिए। मैं तो यही कहूँगा जो इसे अपना लेता हूँ सामान होकर के भी उत्कृष्ट बन जाता है, और यदि अपने आप को उत्कृष्ट बनाना चाहते हो तो इन पंक्तियों को आत्मसात करो। ये बताओ, लड़ाई में आनंद है या क्षमा में? बोलो, क्षमा में। तो अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हो तो क्षमावान बनो। अब रहा सवाल, पीड़े दुष्ट ने सामने वाला हमें प्रताड़ित करता जा रहा है और फिर भी हम उसको क्षमा करते फिरे, ये कहाँ तक उचित है? उसे हम कैसे क्षमा करें? ये जो सवाल आता है, इस सवाल के संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि उस स्तर की बात की है, ये मुख्य रूप से मुनियों के लिए कहा गया। आप गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं कहा गया कि आपका सब कोई नष्ट करता रहे और आप कहो मैं तो क्षमा कर रहा हूँ क्षमा कर रहा हूँ क्षमा कर रहा हूँ। गृहस्थ कदाचित प्रतिवाद और प्रतिकार कर सकता है। रामचंद्र जी ने अगर रावण पर हथियार नहीं उठाया होता और ये कह दिया होता चलो ले गया सीता को क्षमा कर दो, तो आज श्री राम का जो आदर्श है हम सबके बीच रह पाता क्या? नहीं, नहीं ना, नहीं। तो रामचंद्र जी ने क्षमा नहीं किया, प्रतिकार किया, समझ गए? तो जहाँ कोई अत्याचार करे अन्याय करे उसका प्रतिवाद करना तुम्हारा धर्म है। पर भाई, ये तो बड़े स्तर की बात है। रोजमर्रा के जीवन में जो छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हारे साथ किचकिच होती है वहाँ क्षमा नहीं रख सकते क्या? आज तुम पर कोई बंदूक नहीं तान रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई तलवार नहीं चढ़ा रहा है, तुम्हारे साथ किसी तरह की अनैतिक कोई व्यवहार नहीं कर रहा है। तुम्हारी जो लड़ाई है वो तुम्हारे ईगो की लड़ाई है, ज्यादातर यही है ना जी, जिसको लेकर के तुम अपने मन में गांठ बांध करके रखते हो। तो ऐसे लोगों के लिए तो कम से कम मन साफ करो। जब तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारे सत्य और स्वामित्व पर चुनौती आए, तुम्हारे धर्म और संस्कृति पर आघात होने लगे, तुम्हारे घर परिवार और कुटुंबों का ऊपर संकट खड़ा होने लगे, तब किसी तरह का प्रतिवाद करना अलग बात है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। तो सामान्य परिस्थितियों में हमें क्षमा तो रखना ही चाहिए। नमोस्तु। एक प्रश्न मेरी ओर से, बड़े भाई करेंगे। हाँ बोलो, बोलो जल्दी। महाराज जी नमोस्तु, बोलो जल्दी, हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरी एक जिज्ञासा है महाराज जी, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं और किस किस की भांति? श्रोता कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, किस किस की भांति के होते हैं? किस किस की, नीचे की लाइन बोलो, किसकी भांति के होते हैं? हाँ मैं बताए देता हूँ। एक श्रोता होता है सरोता जैसा, एक श्रोता होता है चलनी जैसा, एक श्रोता होता है भैंस जैसा, एक श्रोता होता है गाय जैसा, समझ गया? श्रोता होता है सरोता जैसा, जो बात को सुनता है और काट पीट देता है। दूसरा होता है श्रोता चलनी जैसा, जो होता है असार बचा लेता है, असार निकाल देता है। चलनी में भूसा आता है और नीचे चला जाता है। तीसरा होता है श्रोता भैंस जैसा, जो पूरे पानी को मचा देती है फिर पीती है।
और चौथा श्रोता होता है गाय जैसा जो सार सार को लेता है, या एक श्रोता होता है सूप जैसा। सूपे में क्या होता है, फटका जाता है, भूसा उड़ा देता है, सार को ले लेता है। तो अलग अलग प्रकार के श्रोता होते हैं, आप देख लो मैं कहाँ हूँ। सच्चा श्रोता वो है जो इधर से सुनकर सीधे इधर उतारता है। बस अब पीछे वाले को और आइए मंडल नंबर 17 अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारी पुनीत भैया सागर, हरिश्चंद जी, श्रीमती बिमला, विनीत, ऋचा, वीर, बाहुबली कालुनी सागर। अच्छा, हमारे पुनीत भैया के माता पिता हैं जिन्होंने गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का भाव बनाया है। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भैया पुनीत जी संगस्त जो ब्रह्मचारी हैं आचार्य जी के आशीर्वाद से साधना कर रहे हैं, उनके माता पिता भी आमंत्रित करूंगा और उनके जब तक आ रहे हैं तब तक वीर कुमार। और आइए मंडल नंबर 17 शिवणी संरक्षक श्री वीर कुमार भरत मेहता गुलवर्गा, उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर लास्ट जी। चलिए बोलिए वीर कुमार जी। मुनिवर गुलवर्गा वासियों की तरफ से गुरुवर को कोटि कोटि नमस्तु 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 भगवान। गुरुवर हम परसों गुणायतन की रचना बाहर से देख रहे थे, तब वहाँ खड़े सिंह की मुख वाली और नीचे हाथी बैठा है ऐसी बहुत आकृतियाँ दिखी, और उसके बाजू में और दूसरी भी देवियों की थी क्या आकृतियाँ थी, वो किसका द्योतक है ये? और उनको देखे मैं ये कहूँगा जिनको भी गुणायतन देखना है, गुणायतन की एक एक आकृतियाँ बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंकित की गई है, और जो हमें बहुत बड़ा और गहरा संदेश भी देती है। उन संदेशों के मध्य ये जो आकृति है, जो आपने शेर जैसी आकृति देखी, वो एक जल जीव है जिसे बोलते हैं बागला। ये बागला मंदिर के बाह्य भाग में अंकित किया जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। अन्य अन्य भी जो आकृतियाँ हैं उनके अपने प्रतीक हैं, मैं बोलूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, पर जितने भी लोग गुणायतन को देखना और समझना चाहते हैं, कार्यालय में आप बोलेंगे, कार्यालय से आपके साथ लोग जाएंगे, और वो आपको जब बताएंगे तो लगेगा कि गुणायतन के पीछे की विचारधारा क्या है, वही हमें ठीक कर पाएगी। और आइए मैं शमन से ठीक बोलिए नमस्तु नमस्तु। ट्रस्टी होने के नाते मंदिर जी में प्रतिमा की अभिषेक बहुत से लोग करते हैं, तब क्या अभिषेक पीछे से की जा सकते, मूर्ति के पीछे से की जा सकते? देखिए अभिषेक तो सामने से ही करना चाहिए, भीड़ भाड़ में पीछे से कर लेते हैं लोग, थोड़ा ध्यान रख लो, पीछे क्यों करो? भगवान का अभिषेक दाएं बाएं से करो, सामने भी तब करो जब कोई अल्टरनेट ना हो, भाव के साथ करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा, बस आगे। हाँ, और मैं आमंत्रित करूंगा सम्मान सहित आरएनडी पुनीत भैया सागर और उनके माता पिता श्रीमान हरिश्चंद जी, श्रीमती बिमला जी, विनीत जी, ऋचा जी, वीर जैन, बाहुबली कालुनी सागर। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा पुनीत भैया, आप भी आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें, और इनके सम्मान के लिए ये ब्रह्मचारी पुनीत जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे थे, गुरुदेव के चरणों में समर्पित हुए और गुरुदेव ने पुनीत भाई को मेरे पास भेज दिया। आइए इधर आइए। और आज इनके माता पिता मेरे पास आए, इन्होंने मुझसे कहा महाराज मैं भी गुणायतन में, अब भी इधर आ जाओ, मैं भी गुणायतन के लिए कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा आप क्या दोगे, आपने तो अपना बेटा दे दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी? नहीं महाराज मेरी भी इच्छा है, और उनके साथ इनका छोटा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? विनीत, जो बड़ा है। अच्छा, जो विनीत बड़ा है, पुनीत छोटा, ये भी पुणे में जॉब कर रहा है। नहीं महाराज जी हमें कुछ करना ही है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज ये गुणायतन के ट्रस्ट परिवार से जुड़े हैं ट्रस्टी के रूप में। बहुत बहुत आशीर्वाद, और मैं यही कहूँगा जैसा रास्ता पुनीत ने अपनाया है आप लोग भी अपने दायित्व को पूरा करके इसे पूरा करें, और इनका एक बार जोरदार करतल धनी से सत्कार करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अतुल शीतल लादानी और चंद्रका जी पाटनी।
ये आएंगे हमारे सम्मानी भैया इधर जाओ, अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है करो। और इसी क्रम में ऑनलाइन निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का शोभा प्राप्त किया श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री शीलचंद जी जैन, मनोज जी जैन, सुरेश नगर ग्वालियर, इन्होंने ऑनलाइन निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का शोभा प्राप्त किया। जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। माइक चालू करना भैया हमारा सब। ओ बस आज के सत्र को आपका सवाल कल कर लेंगे, है समय अभी। आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री धीरजमल जी भगवान दास जी कटारिया एवं स्वर्गीय श्रीमती गजराबाई धीरजमल कटारिया की स्मृति में श्री सुनील कुमार धीरजमल कटारिया, श्रीमती सविता सुनील कुमार कटारिया, पुणे महाराष्ट्र।